हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि। आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। कल निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, तो कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। कल मार्केट क्या कर सकता है और आज मार्केट ने क्या किया, तो अगर देखेंगे ये वाला कल फॉल आया था, आज अगर डेली में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा बुलिश कैंडल हमें देखने मिल रहा है, जिसने कि जो लो है आज का मार्केट ने 21,448 का जो लो लगाया है, तो एक्सपेक्टेशन यही था कि यहाँ से एक काफ़ी अच्छा डीप करेक्शन आ सकता है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। सॉरी। तो चलिए इंट्राडे में एक बार देख लेते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया और कल के लिए क्या हो सकता है, इम्पोर्टेंट कौन से लेवल हो सकते हैं। तो आज जो है हमने एक पी का ट्रेड दिया था, जो कि काफ़ी अच्छा हमें गेन दिया है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको दिखा दूँगा, वो दिखाने वाला हूँ। तो कल के लिए अगर मार्केट जो है 600 लेवल के आसपास अगर ओपन होता है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल जो है अभी ये होने वाला है। मैं इसे मार्क कर देता हूँ और प्राइस लेवल भी लगा देता हूँ। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गला ख़राब है। तो जो इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है, ये जो हाई है, ये मैंने सॉरी आवरली में एक मैंने मार्किंग किया हुआ है। ये वाला जो प्राइस एक्शन है मार्केट का पेंडिंग है, तो एक बार के लिए मार्केट 21,230 से लेके 300 का जो लेवल है हमें आने वाले टाइम में देखने मिल सकता है। तो ये मैंने कुछ प्राइस एक्शन फॉर्म ऐसा होने वाला है, ये वाला मैंने मार्क किया है, जो कि मैं अभी निकाल देता हूँ। तो अगर देखेंगे 5 मिनट में, तो ये वाला जो लेवल है, ये जिसका ब्रेकआउट हुआ है, तो कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, और मैं इसको प्राइस लेवल को लगा देता हूँ एक बार, ये वाला इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है हमारे लिए कल के लिए 21,572 का जो लेवल है, ये वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे कहीं पे हमें डिप मिलता है, तो हम यहाँ पे एक बार के लिए प्राइस एक्शन देख के बाइंग का सोच सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और सेलिंग का जो लेवल होगा हमारा, ये वाला जो आज का डेलो है, जो कि ये वाला 21,448 जो लो है, ये वाला होने वाला है हमारे लिए डाउन साइड के लिए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है सीधा 500 के आसपास और ब्रेक करता है 500 लेवल, तो जब तक 21,448 का लेवल हमें ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं मिलता है, तो हम डाउन साइड के लिए नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये वाला जो है लेवल बार बार टेस्ट हो चुका है, जो कि हमने पिछले एनालिसिस वीडियो में भी डिस्कस किया है। ये वाला जो लो है मार्केट ने बहुत बार टेस्ट किया हुआ है। यहाँ पर अगर देखेंगे आप ये वाला, ये वाला, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार लगभग टेस्ट हो चुका है। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके नीचे निकलता है, तो मार्केट ज़्यादा वेट नहीं करेगा, चांस भी नहीं देगा घुसने का। तो यहाँ पे जब भी ये 21,448 का लेवल ब्रेक होगा, तो आप यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए पोजीशन बना सकते हो, जिसका टारगेट जो है फर्स्ट टारगेट 21,400 होने वाला है। ये वाला जो लो है, ये वाला होगा इसका फर्स्ट टारगेट, जो मैं प्राइस लेवल लगा देता हूँ 400 का लेवल जो है, ये फर्स्ट टारगेट होगा। और नीचे की साइड अगर निकलता है मार्केट, तो ये वाला जो है इसका 330 जो है, ये वाला सेकंड टारगेट होगा हमारा डाउन साइड के लिए। और जो फाइनल टारगेट हमारा होगा, तो ये वाला होगा 230 का, 21,230 यह हमारा फाइनल टारगेट होने वाला है, अगर डिप हमें मिलता है मार्केट में कल के लिए। तो अगर बुलिश पोजीशन अगर देखेंगे, तो यहाँ पे अगर मार्केट 600 का लेवल अगर होल्ड करता है, कल एक्सपायरी होने वाली है, तो हो सकता है कि कल कुछ साइडवेज जाके फिर मार्केट ब्रेकआउट दे। तो ब्रेकआउट के लिए जो लेवल होगा हमारा, मतलब बुलिश पोजीशन अगर बनानी हमें, तो 650 या 640 से ऊपर ही हम बनाएंगे। ये वाला जो है हमारा 643 का लेवल होने वाला है, ये जो आज का हाई लगा चुका है मार्केट, इसके
ऊपर अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अगर कहीं पे यहाँ पे मार्केट ओपन होता है गैप अप 670 से लेके 680 का लेवल जो है इस पे, यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे कहीं पे हमें इस तरह से तरीके से अगर कोई डिप मिलता है तो हम यहाँ पे बाय करके चलेंगे। अगर मार्केट साइडवेज भी जाता है उसके बाद अगर कोई ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे इस लेवल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अगर होंगे जो सेलर्स होंगे उनका 730 के लेवल के आसपास जो है ये सेल होने वाला है यहाँ पे। तो अगर हम बुलिश पोजीशन बनाएंगे तो हमारा ये वाला फाइनल टारगेट होने वाला है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो प्राइस एक्शन देखिए हम बाय करेंगे। तो 643 21,643 के ऊपर हम बाय करके चलेंगे, हमारा ये फाइनल टारगेट होगा 21,730, ये वाला फाइनल टारगेट होने वाला है अपर साइड के लिए, कॉल साइड के लिए। तो चलिए अभी निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो ये डाउनफॉल जो आया था कल का, तो उसके बाद देखेंगे तो मार्केट पूरा ही साइडवेज गया है। ये वाला सिर्फ एक मोमेंटम आया था, डिप आया, उसके बाद में ये बाइंग आया। तो ये वाला जो है रेंज है मार्केट का अभी आज के लिए, तो ये वाला है, मैं इसे प्राइस लेवल को आगे ले लेता हूँ। ये वाला जो है तो ऊपर की साइड अगर मार्केट निकलता है फ्लैट ओपन होने के बाद में 47,440 का हमारा रहेगा ये वाला बाइंग लेवल, इसके ऊपर ही हम बाय करके चलेंगे। और जिसका टारगेट है तो ऊपर की साइड में ज़्यादा बड़ा टारगेट हमें नहीं है, फर्स्ट टारगेट जो है ये वाला होने वाला है जो कि है, एक मिनट कहाँ गया प्राइस लेवल, ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 47,583, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसी जोन में इस रीजन में मार्केट ओपन होता है और 47,440 के ऊपर निकलता है तो 47,583 हमारा फर्स्ट टारगेट होने वाला है, और सेकंड टारगेट जो है ये वाला होने वाला है हमारा 47,880 से लेके 20 का, सॉरी ये वाला हमारा सेकंड टारगेट होगा। यहाँ से फिर से एक बार प्राइस रिजेक्शन ले सकता है क्योंकि यहाँ पे सेलर्स डोमिनेट करेंगे इसलिए। और नीचे की साइड अगर देखेंगे तो ये वाला जो लो है आज का, ये वाला जहाँ से बाउंस आया था सेकंड हाफ में, तो ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है जो कि लेवल है 47,135। अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन होता है तो इस लो के नीचे जो है 47,135, इसके नीचे नीचे ही हम शॉर्ट करेंगे। तो नीचे की साइड जो है हमारे टारगेट 46,987, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो है हमारा ये वाला हो सकता है 46,760 का, ये वाला हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। और थर्ड टारगेट जो होगा ये हमारा होने वाला है 46,500, ये वाला ये हमारा फाइनल टारगेट होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। तो अभी तक अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो तो ये मेरा चैनल है जो गोल्डन बुल के नाम से है, ये मेरे चैनल का इंटरफेस है। तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हो, डेली एनालिसिस वीडियो, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के एनालिसिस वीडियो, आपके पोर्टफोलियो के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग के लिए हम जो स्टॉक्स है उनका एनालिसिस वीडियो भी डालते हैं यहाँ पे। अगर आप अभी तक जुड़े नहीं हो चैनल से तो आप जुड़ सकते हो। अगर हाल ही में देखेंगे हमने एक ट्राइडेंट शेयर दिया था ब्रेकआउट होने से पहले, भागने से पहले 4 तारीख को मैंने ये डाला हुआ था, तो उसके दूसरे दिन के बाद ही उसने काफ़ी अच्छे रिटर्न हमें दिए हैं। जो कि वीडियो डाला था उसके बाद में लगभग इसने 9% का जंप लगाया था, उसके सेकंड डे जो है 20% का लगभग जंप लगाया था, और कल जो है उसने 3% का जंप लगाया था। तो ऐसे ही स्टॉक्स पाने के लिए ब्रेकआउट्स होने से पहले जो भागने वाला स्टॉक होता है उसके एनालिसिस वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को जुड़ सकते हो। और ये वाला जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर में आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा, उसको आप अपने मोबाइल से स्कैन करके ये टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम डेली लेवल्स देते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, जो कि एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। हम कुछ श्योर शॉर्ट कॉल्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो हमने जो दिया था 85 रुपीज़ से लगभग निफ्टी का एक जो कॉल था,
85 रुपीज़ से 129 रुपीज़ गया है। और कल जो एक बहुत ही धमाकेदार मैंने एक ट्रेड दिया था, जो मैं आपका जो कल फॉल हुआ था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये वाला मैंने दिया था जो कॉल है, बहुत ही ज़बरदस्त गया था वो जी। ये अगर देखेंगे आप, तो मैंने 120 रुपये से इसका बाइंग दिया था, जो लगभग 280 का हाई लगा चुका है। ये वाला हमने पूरा ट्रेंड कैप्चर किया था, ये वाला जो यहाँ से फॉल हुआ था, तो यहाँ तक हमने पूरा ट्रेंड कैप्चर किया था। अपने टेलीग्राम चैनल पे जो जुड़े हैं उनको पता है, तो आप भी जुड़ सकते हो इसे आप अपने मोबाइल से स्कैन करके। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना फ्रेंड्स। आज के लिए इतना, थैंक यू।